जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेकफुली चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटबाइस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आखिर क्या होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटबाइस राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिटबाइस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर आपकी कोई डेसिमल वैल्यू को अगर आपने बाइनरी वैल्यू में लिखा हुआ है, या फिर आप सिंपली समझ लीजिए आपके पास एक बाइनरी वैल्यू है, अगर आप उसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो बिट्स थी वह लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती थी। उसी प्रकार बिटबाइस राइट शिफ्ट ऑपरेटर में भी आपकी जो बिट्स हैं वे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। बिटबाइस राइट शिफ्ट ऑपरेटर को समझने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ प्रोग्राम सा बनाता हूँ, उसको आप समझिएगा। सपोज कीजिए आपके पास एक वेरिएबल है सॉर्ट इन टाइप का, और ए है जिसके अंदर असाइन किया मैंने 11। प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, और इसमें मैंने ए इसके साथ मैंने यूज़ किया बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और साथ में लिख दिया मैंने 4। तो प्रिंट हमारा क्या करेगा, आंसर हमारा क्या आएगा, ये हमें देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमारा जो वेरिएबल है वह ए है, ए के अंदर 11 वैल्यू है, वह जो कि डेसिमल वैल्यू है। तो कंपाइलर सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट तो वह कर देगा, पर कितने बिट में उसे स्टोर करेगा इसके लिए वो देखेगा कि आपका जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्या है। आपका वेरिएबल का डाटा टाइप अगर इंट है तो वह उसे 2 बाइट यानी कि 16 बिट में रिप्रेजेंट करेगा, पर इधर आपके डाटा टाइप जो है वह है सॉर्ट इंट। सॉर्ट इंट यानी कि 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 × 8 इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि 11 की जो भी बाइनरी होगी उसको वह 8 बिट में पहले रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्योंकि 8 बिट पे डाटा पे हम काम कर रहे हैं तो 8 बिट के हिसाब से 4 बिट्स को वह राइट में शिफ्ट कर देगा, और जब राइट में शिफ्ट हो जाएंगी 4 बिट्स, और क्योंकि आपकी टोटल 8 बिट ही स्टोर हो सकती हैं तो 4 बिट्स आपकी उस मेमोरी से बाहर चली जाएंगी, और जो बाकी की 4 बिट्स की जो जगह बचेगी जो अब फिलहाल नहीं है उसमें, उनकी जगह वहां 0 हो जाएगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले आप 11 की बाइनरी निकाल लीजिए। 11 की बाइनरी क्या हो सकती है, 1 0 1 1, ये आपकी 11 की बाइनरी है। क्योंकि 11 की बाइनरी आपकी 4 बिट में रिप्रेजेंट है और हमने सॉर्ट इन टाइप का डाटा लिया हुआ है, तो हम इसे 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी की 4 बिट हम क्या करेंगे, बाकी 4 बिट से हम लेफ्ट हैंड साइड पर 0 कर देंगे। तो बाकी 4 बिट्स हमने 0 ले ली। ये किस लोकेशन पर है, ये जो भी बॉक्स है, जो भी मेमोरी है, वह मेमोरी स्पेस जो है वह आपका 8 बिट्स का है। इस बॉक्स में, इस मेमोरी में, या फिर इस वेरिएबल के साइज में ए है ये, इसके अंदर सिर्फ 8 ही बिट स्टोर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सॉर्ट इंट का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जब प्रिंट एफ परफॉर्म होगा वहाँ आप देखेंगे कि बिट बाइज राइट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ, इसमें 4 बिट्स जो है वह शिफ्ट हो रही हैं। तो 4 बिट्स हम ब्लॉक बना लेते हैं, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है आपका 4 बिट्स का। क्योंकि 4 बिट्स आपकी राइट में शिफ्ट हो रही हैं तो वह किस तरीके से होंगी, एक बॉक्स बनेगा, दोबारा से बनाता हूँ समझाने के लिए। ये मेमोरी स्पेस मैंने बना लिया। देखिए, इस मेमोरी स्पेस कितना ले सकता है, 8 बिट्स ले सकता है, यानी कि हाफ हाफ हम इसको कर देते हैं। 4 बिट्स इधर लेगा, 4 बिट्स इधर लेगा, क्लियर है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में भी हम 4 बिट्स का यूज़ कर रहे हैं शिफ्ट करने के लिए। देखिए, जो पहले पोजिशन है, क्योंकि राइट से काम करेंगे हम, इधर से काम कर रहे हैं, तो यह 4 बिट्स के लिए स्पेस मैंने छोड़ दिया है। बाकी जो 4 बिट्स में, उसमें कौन सी बिट्स आएंगी, बाकी जो 4 बिट्स हैं उनमें ये वाली बिट्स आएंगी जो आपकी वहाँ से स्टार्ट हो रही थी। तो वह कौन कौन सी थी, 0 0 0 0, ये इन वाली बिट्स का क्या होगा, ये वाली बिट्स आपकी यहाँ लिख दी जाएंगी 1 0 1 1, और ये जो खाली स्पेस है, क्योंकि 4 बिट्स जो है वह आपकी राइट में शिफ्ट हो चुकी हैं तो ये जगह खाली हो चुकी है, तो यहाँ पर आपकी 0 0 0 0 फिल हो जाएगी, क्लियर। पर ये जो आपका 11 की जो बाइनरी है, या फिर जो भी नंबर है, जो भी बिट्स है, ये आपका उस मेमोरी से बाहर चला जा चुका है।
तो जब ये मेमोरी से बाहर जा चुका है तो इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। अब हमारा जो पूरा नंबर होगा वह ये होगा, और ये किसकी बाइनरी होती है, ये होती है आपकी जीरो की बाइनरी, जो कि रिप्रेजेंट है आपके 8 बिट्स में। हो सकता है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो, तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दोस्तों सपोज कीजिए इस बार आपके राइट शिफ्ट ऑपरेटर में 2 बिट्स पे आप काम करना चाहते हैं, और इधर 11 की जगह हम कोई और नंबर ले लेते हैं। 11 की जगह हमने ले लिया इस बार नंबर 24। अब 24 को सबसे पहले हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 24 को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 24 की बाइनरी क्या होगी आपकी, 1 1 0 0 0। यह आपके 24 की बाइनरी है, पर ये फिलहाल 5 बिट्स में रिप्रेजेंट है। हमें टोटल 8 बिट में रिप्रेजेंट करनी है शॉर्ट इंट की वजह से, तो बाकी की 3 बिट्स हम 0 0 0 मान लेते हैं, और एक बॉक्स में है जिसका साइज क्या हो सकता है, मैक्सिमम 8 बिट्स हो सकता है, और वह हमारी इसमें फिल्ड है। तो अब हमें क्या परफॉर्म करना है, ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2, यानी कि 2 बिट्स हमें शिफ्ट करनी है राइट में। क्लियर? तो मैं यहाँ पर एक और मेमोरी स्पेस बना लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए मैंने आपको बताया ये बार जो स्पेस है वह कितना है, 8 बिट का है। इसमें मैंने हाफ किया तो इधर 4 हो गया, इधर 4 बिट हो गया, और जब हम इनको भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 बिट्स के स्पेस बन जाएगी। 2 बिट्स इसमें, 2 बिट्स इसमें, 2 बिट्स इसमें, 2 बिट्स इसमें, टोटल हुआ आपका 8 बिट्स, क्योंकि हम राइट शिफ्ट में 2 बिट्स को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो आप इस वाली लोकेशन, क्योंकि राइट से इधर से ही चलेंगे हम, तो इस वाली लोकेशन की 2 बिट की स्पेस आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। बाकी आप जो ऊपर वाली बाइनरी थी उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, राइट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 0 0, अगली 2 बिट कौन सी है, 0 1, अगली 2 बिट कौन सी है, 1 0, अगली 2 बिट कौन सी है, 0 0। अब आप आ जाइए इधर राइट हैंड साइड पर, यहाँ देखिए आपकी जो जगह है वो खाली है, तो यहाँ पर आप 0 0 लिख दीजिए। आपकी ये वाली दोनों 0 बाहर आ चुकी हैं मेमोरी स्पेस से, क्योंकि हम 8 बिट पर ही काम करेंगे, 10 बिट पर नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो फिलहाल जो बाइनरी बनी वह आपकी ये बनी, और ये किसका नंबर होता है, 1 2 4, ये नंबर होता है आपका 6 का, तो ये 6 नंबर का डेसिमल है। तो इसको हम एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जो कि मैंने टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में लिखा है। तो इसमें मैंने इस शॉर्ट इन टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम है ए, वैल्यू मैंने वही 11 दी है। फिर मैंने प्रिंट एफ में प्रिंट किया ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4, जैसे कि मैंने अभी आपको किया था। इसका आंसर आ रहा था हमारा 0, तो देखते हैं यहाँ इसका आंसर क्या आता है। जब मैंने इसे रन किया तो इसका आंसर 0 ही आया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू मैंने फिलहाल आपको 24 करके दिखाई थी, तो यहाँ मैंने 24 ले लिया, और इसे मैंने राइट शिफ्ट किया था सिर्फ 2 बिट्स पर, और इसका आंसर हमारा आया था 6। तो देखते हैं आखिर यहाँ क्या आता है, तो इसका आंसर इधर भी 6 आया। तो इसका मतलब मैंने जो बताया और जो कॉन्सेप्ट था हमारा वह एकदम क्लियर था, कहीं भी कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट का मतलब आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के बाद आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।